सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। यदि संस्कृत के श्लोकों का, संस्कृत भाषा का और उसके उच्चारण का और उस उच्चारण से प्राप्त अनुभूति यदि प्राप्त करनी है तो इसमें प्रवेश करना पड़ेगा। और आज तो सब जगह सब कुछ उपलब्ध है, YouTube पे कितने ही स्तोत्र, कितने ही मंत्र, पूरी पूरी श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद और वेद, दर्शन, सारी चीजें उपलब्ध हैं। ठीक ये वैसा ही है जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जग चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गह ही पय परिहरी बार विकार। मतलब इस करतार ने, इस विश्व नियंता ने, इस ईश्वर ने ये संसार गुण दोषमय बनाया है। हमें यहां पे हर प्रकार की चीज मिलेगी, ये संसार एक बाजार है, जो चाहोगे वो मिलेगा, जो जैसा चाहेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, जिसके लिए कर्म करेंगे, वो सब कुछ हमें प्राप्त होगा। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा, संत हंस गुण गह ही पया परिहरि वारि विकार। संत सज्जन पुरुष, प्रबुद्ध वर्ग जो समझदार है, वो उस हंस की तरह होते हैं, उनमें वो गुण होता है, उनमें वो क्वालिटी होती है, उनके अंदर वो क्षमता और सामर्थ्य होता है कि जैसे हंस के सामने नीर क्षीर मिलाकर के रख दिया जाए तो वो क्षीर मतलब दूध को तो ग्रहण कर लेता है, नीर को छोड़ देता है, जल को छोड़ देता है, वो सामर्थ्य उसके भीतर है। तो संत भी ऐसे ही होते हैं कि संसार में यद्यपि सब कुछ है, सकारात्मकता भी है, नकारात्मकता भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है, शुभ का ग्रहण कर लेते हैं, सकारात्मक अपने आप को बना लेते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर प्रकार की शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां भी हैं, आसुरीय शक्तियां भी हैं। हम अपने अस्तित्व को जैसा बनाएंगे वैसी ही शक्तियां हमसे कनेक्ट होंगी। अगर हम नकारात्मक हैं, सब कुछ हमको गलत ही गलत दिखता है चारों तरफ, बस परेशान है, समस्या में ही समाधान खोजने गए। दो कैटेगरी के लोग होते हैं इस दुनिया में, समस्याएं किसके जीवन में नहीं है, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है, संघर्ष किसके जीवन में नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में है। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन ऐसा है जो बस समस्याओं में जीता रहता है, सहता रहता है, संघर्ष करता रहता है, दूसरों को अपनी समस्याएं सुनाते रहता है, रोता है। एक वो कैटेगरी है कि समस्याओं में जी रहे हैं, बस दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इस चीज में जी रहे। लेकिन दूसरी कैटेगरी वो होती है कि समस्या तो है, समाधान ढूंढो, समाधान भी है संसार में, और सबसे बड़े समाधान हम स्वयं हैं। अगर हम समाधान परक अपना जीवन बनाते हैं तो हमको सब तरफ समाधान मिल जाएगा हर समस्या का। लेकिन हम अपने जीवन को ही यदि समस्या मूलक बना देते हैं, अब जैसे रोग हो गया तो रोग का समाधान है योग करो, आयुर्वेद की औषधियों का सेवन करो, आहार पर नियंत्रण रखो, अपनी सोने उठने जागने पर नियंत्रण रखो, बाकी व्यवहार पर नियंत्रण रखो। समस्या है रोग तो समाधान भी है सारा। अब यदि हम अपने अस्तित्व को ही समस्या मूलक बना ले, हम अगर कर ही नहीं रहे हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो पहले तो हमें स्वयं समाधान में जीना है, तो हमें हर समस्या का समाधान इस संसार में मिलेगा। इसीलिए जीवन को अच्छा बनाना है,